Entonces, स्लो तो कम थे ना, फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन ऑनलाइन वालों को स्क्रीन, कैमरा, आवाज तीनों चीजें क्लियर हैं तो काइंडली फीडबैक दे दें। ठीक है जी, ऑनलाइन में हमें फीडबैक आ गया। कल बहुत मजेदार सा टॉपिक शुरू किया था और थोड़ा सा भी टाइम ज्यादा होता तो खत्म भी कर देते, लेकिन फिर हमने थोड़ा सा इंसानियत दिखाई। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो शुरू से ही मना है कि ऐसे तो होने ही नहीं चाहिए। पांच चीजों की लिस्ट हमें लॉ ने बताई। लॉ ने वैसे आठ चीजों की लिस्ट बताई थी, लेकिन हमारी किताब ने उसमें से दो तीन को तोड़ के अपनी और किसी और जगह पर रेलिवेंट फिट कर दिया और यहाँ पे आपको बता दिया कि पांच ऐसी चीजें हैं जिनको लॉ ने शुरू से ही मना कर दिया। हम एंड से शुरू हुए थे, अनसर्टेन एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें जिसका मतलब क्लियर नहीं है, जिसमें समझ नहीं आ रहा अगला बंदा क्या ऑफर दे रहा है, समझ नहीं आ रहा अगला एक्सेप्टेंस क्या दे रहा है, यानी कि कहीं भी किसी भी जगह कोई अनसर्टेनिटी हो, कंफ्यूजन हो, अमाउंट कंफर्म ना हो रही हो, पता ना लग रहा हो कि बात क्या हो रही है, किस तरह से हो रही है। तो अगर किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, वो एग्रीमेंट ही फ्लॉप है, वो एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। एक स्टेप ऊपर हम गए थे आपके फेवरेट पॉइंट पे, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो हमने देखा था कि किसी को शादी करने से रोक देने का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, आप उसको शादी करने से नहीं रोक सकते, लेकिन किसको रोक सकते हैं? माइनर। क्यों रोक सकते हैं? बच्चा कहता ना, हाँ बच्चा है तो वो फाइनेंशियली बेचारा इतना स्टेबल नहीं होगा, या वो उस वक्त उस तरह से कमाने की पोजीशन में नहीं होगा कि वो खुद भी खाए और घरवाली को भी खिला सके। तो इसलिए माइनर को उन्होंने खासतौर पे शादी करने से मना करने का कह दिया कि अलाउड है, लेकिन माइनर के अलावा बाकी बंदों को शादी से रोकने का एग्रीमेंट करना वॉइड एब इनिशियो। तो ये क्लॉज पढ़ के अक्सर बच्चे मचल जाते हैं और वालदैन से बागी हो जाते हैं, कहते हैं हमारे टीचर ने कहा था कि जी आप शादी करने से नहीं रोक सकते। तो आप वालदैन हैं, लेकिन कानूनी तौर पे हमारे पास हक है कि हम शादी कर सकते हैं। तो खैर, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आपने देखा, हल्की सी डिस्कशन थी। फिर ऊपर पहुंचे तीन तरह की रिस्ट्रिक्शन। उन्हें कहा किसी को कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता। दूसरा, शर्तें लगाना जो है वो एक वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है। और तीसरा, किसी को कानूनी कार्रवाई करने से, कानून के पास जाने से, किसी को कोर्ट में जाके अपना हक वसूल करने से नहीं रोका जा सकता। तो ये ओवरऑल हमने पांच चीजें पढ़ी थी। एक स्टेप आगे चलता हूं, फिर आपके सवाल वगैरह भी लेंगे। हमने कहा एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड से रोका जा सकता है। कब रोका जा सकता है? एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर एक बंदे ने अपनी गुडविल भी दूसरे बंदे को बेच दी, अपनी दुकान अलोंग विद नाम अलोंग विद गुडविल बेच दी दूसरे को, तो अब दूसरा जो खरीदार है वो पहले बंदे को जिसने बेची है उस पर पाबंदी लगा सकता है कि तुम इस इलाके में या इतने अरसे तक ये वाला काम नहीं करोगे, इससे मिलता जुलता काम नहीं करोगे, ताकि ऐसा ना हो कि गुडविल खरीदने के बावजूद भी वो बंदा वहीं पे ही अपना बिजनेस शुरू करे और ये बेचारा गुडविल खरीदने के बावजूद भी इसके पास क्लाइंट ना आए और उसी के पास चले जाए। कल मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको बता के समझाई थी। तो एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हमने बस इतना सही पढ़ा था। घर जाके कितनी शर्मिंदगी हुई होगी आपको, आपको लगा होगा कि आज तो मतलब 50 मिनट कैसे पूरे हो, फिर आपने जोश में जितना था सारा लिख लिया। ऐसा जोश नहीं आता, मैच तो शाम में जाके था और मैच में तो पहली इनिंग देखने के बाद आपने टीवी बंद कर दिया होगा, अब तो जीत गए, अब लॉ पढ़ लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर, एक तो ये एवं बिला वजह ना, जब भी कोई वर्ल्ड कप, कोई आईपीएल, कुछ भी मतलब कोई भी ऐसा बहाना आ जाए ना लोगों के पास जिसमें उन्हें लगे कि किताबों से दूर भागा जा सकता है तो वो भाग जाते हैं। खैर, गुज़िश्ता लेक्चर में कोई सवाल किसी भाई का? जी, फिफ्थ लाइन में ये अनसर्टेन एग्रीमेंट के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है,
ये एक दफा फिर मुझे हैंडआउट दिखाएं ताकि शायद मैंने यहां पे उसको फॉर्मेट करते हुए। अच्छा, उसके नीचे जो आप बात करें, व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइड, जब एक एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, ये भाई बात कर रहे हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट के नीचे जो डब्बा है, डब्बे के नीचे जो बात लिखी हुई है, व्हेन एग्रीमेंट इज वॉइड अदर एग्रीमेंट व्हिच इज कोलैटरल टू इट इट इज आल्सो वॉइड। एक वॉइड हो गया तो उससे कनेक्टेड दूसरी चीज भी वॉइड हो गई। एंड इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और बाय लॉ वो एनफोर्सेबल नहीं होगा इफ द अदर पार्टी हैज नॉलेज अबाउट इट। अगर दूसरे को पता है कि ये तो है ही गलत, ये चीज ही सही नहीं है, तो अब वो जितना मर्जी उससे कनेक्टेड एग्रीमेंट कर ले, भाई अगर हमें पता है कि वेजिंग एग्रीमेंट गलत है तो वेजिंग एग्रीमेंट करें, या वेजिंग एग्रीमेंट से कनेक्टेड कोई एग्रीमेंट करें, या कोई और। भाई वेजिंग एग्रीमेंट हुआ, एक बंदा ने दूसरे से कहा मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, पाकिस्तान कल मैच जीत गया तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, और पाकिस्तान मैच जीत जाए। अब ये दूसरा बंदा उसको पकड़ के अदालत लेके जाए और अदालत से जाके कहे कि देखें जी मैं चाहता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जाए, इसने 1 लाख देने का वादा किया, तो अदालत कहेगी भाई जब ये था ही वॉइड ना, तो इससे कनेक्टेड हर चीज वॉइड है, ये वादा भी वॉइड है कि पैसे देने हैं ना, इसको एनफोर्स कराया जा सकता है। अगर तो ये कंफर्म पता है कि हाँ भाई ये बात गलत हुई है, तो उससे कनेक्टेड हर बात भी उतनी ही गलत होगी जितनी वो मेन बात। अगर ग्राउंड फ्लोर ही गिर गया तो ऊपर की सारी मंजिलें गिर जाएंगी, तो जो बेस एग्रीमेंट है वही गलत हो गया ना, तो उससे कनेक्टेड जितने भी एग्रीमेंट है वो सब के सब फॉल्स। जी जी अब एक सवाल पूछा गया कि अगर एक लीगल एग्रीमेंट से कनेक्टेड हो क्या वो भी खत्म हो जाएगा, ये डिपेंड करता है पहले कौन सा और बाद में कौन सा। मैं एग्जांपल देता हूं, एक बंदे ने दूसरे से कहा कि आओ हम दो एग्रीमेंट करते हैं, पहला एग्रीमेंट कंप्लीट करेंगे तो फिर दूसरे एग्रीमेंट पे चलेंगे। पहला एग्रीमेंट क्या है, पहला एग्रीमेंट ये है कि तुम 10,000 kg मुझे ऑरेंजेस दोगे और मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी ट्रांजेक्शन तो उसके बाद तुमने मेरे कहने पे बशीर को कत्ल कर देना और मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूंगा। अब पहला वाला सेट तो सही है, जो इसके बाद वाला सेट है वो खराब है, तो पहला वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा वाला फारिग हो जाएगा। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, एक बंदे ने दूसरे से कहा कि दो एग्रीमेंट है, पहले पहला एग्रीमेंट होगा बाद में दूसरा एग्रीमेंट करेंगे। पहला एग्रीमेंट ये है कि तुमने बशीर को कत्ल करना और 15 लाख रुपए ले लेने, जब उस कत्ल से फारिग हो चुको तो फिर इतने ऑरेंज सप्लाई कर देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब नीचे इलीगल है और ऊपर लीगल है, तो जब ग्राउंड फ्लोर गिर जाएगा ना तो ऊपर वाला भी गिर जाएगा। ये ऐसे ही है कि एक बिल्डिंग अगर बनी हुई है उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, और अदालत कहती है फर्स्ट फ्लोर इलीगल है, फर्स्ट फ्लोर गिरा दिया जाए तो उसे फर्स्ट फ्लोर गिरेगा, और अगर अदालत कहे कि फर्स्ट तो ठीक है ग्राउंड फ्लोर इलीगल है ये गिरा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो पूरी। तो ये जहन में रखना है कि पहली वाली शर्त गलत है तो आगे की सारी चीजें गलत हो गई, और अगर मिक्सिंग है और दो तीन चीजें हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, हम देखेंगे पहले अगर सही है तो वैलिड रहेगी और बाद वाली गलत फारिग हो जाएगी। और अगर मिक्सिंग है, तुमने बशीर को कत्ल करते हुए मुझे ऑरेंजेस देने हैं, एक हाथ से कत्ल करना है दूसरे हाथ से मुझे ऑरेंजेस सप्लाई करने हैं, अब अगेन वही बात हो गई, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का एक पार्ट या कंसिडरेशन या उसके पार्ट्स में से कोई पार्ट गलत है तो सब गलत। इसलिए मैंने एक निशानी बताई थी, अगर आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सके ना कि कत्ल करना एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद ऑरेंज सप्लाई करना अलग है, तो फिर उनको अलग अलग ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर वो मिक्स हुए हुए हैं तो चाहे छोटा तरीन पार्ट भी गलत है वो पूरा फारिग। जी यहां से एक भाई का सवाल था, नॉलेज वाली बात जो है वो क्या है, अगर एक बंदे को पता ही नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है ये सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने दूसरे से कहा जी मेरा बहरी जहाज आएगा तो मैं तुम्हें माल डिलीवर करूंगा, और फिर उसके बाद ये काम करेंगे और फिर उसके बाद ये काम करेंगे और फिर ये काम करेंगे, दोनों को ही नहीं पता था कि बहरी जहाज तो पहले से डूबा पड़ा है। अब जब दोनों को नहीं पता तो अगले वाले उन्होंने जो एग्रीमेंट किए हैं वो बेचारे नादानस्थिति में किए हैं, फिर क्या होगा जब पिछला वाला खत्म हो गया तो वो बेचारे हवा में आ जाएंगे, तो अभी दोनों पार्टी दोबारा बैठेंगी कि वो तो वॉइड हो गया और इसके ऊपर बात करते हैं कि इसको चलाएं या ना चलाएं। हाँ, अब मिस्टेक हो गई ना, वो टू साइडेड मिस्टेक भी उसे कह सकते हैं और एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल टास्क भी कह सकते हैं, ये एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल टास्क। ये जो 8 की लिस्ट है ना, इनमें से 2 तो वो भी इम्पॉसिबल वाले जो इधर नहीं है हमारे पास। जी सामने के हाजरी, पॉइंट नंबर 5 अनसर्टेन एग्रीमेंट, क्या कंफ्यूजन, इसके नीचे अजीब सी अंग्रेजी लिखी हुई है, एन एग्रीमेंट ऐसा वादा द मीनिंग ऑफ विच जिसके मतलब इज नॉट सर्टन, मतलब वाजे नहीं है
और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, ना वाजे हैं और ना पूछ के भी वाजे हो सकते हैं, ना मतलब इसमें कंफर्म हो सकते हैं। कंटिन्यूंट कॉन्ट्रैक्ट याद है, अगर बहरी जहाज आ गया ये भी तो अनसर्टन था, लेकिन ये सर्टन हो सकता था, दैट वाज कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन। लेकिन अगर बहरी जहाज ही डूबा हुआ है तो वो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो पॉइंट ये है कि या तो मतलब क्लियर हो, या अगर क्लियर ना हो तो कम से कम क्लियर हो सकता हो किसी शर्त के साथ कनेक्ट होके। तो अगर मतलब भी क्लियर ना हो और आगे क्लियर होने का चांस भी कोई ना हो, एक बंदे ने कह दिया है कि जी मैंने लाल फल देने 200 रुपए में, और वो क्लियर नहीं बता रहा और पूछने पे भी नहीं बता रहा, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब क्लियर नहीं है। कल को फटे हो जाएंगे कि लाल फल से मेरी मुराद टमाटर थी, वो यानी मेरी मुराद सालाना फल था, फिर एक डिबेट चल पड़ेगी कि ये फल है या सब्जी है। ये सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, फल और सब्जी का फर्क, और फिर आप लोग हर दफा कहते हैं हाँ जी सर यही निशानी है, और फिर आखिरी हल हमने क्या निकाला था कि फल खाया जाता है और सब्जी खाई जाती है। ठीक है, एक आसान सा सलूशन है भाई, मेरे तो जरात पे बहुत ज्यादा बूर नहीं है, मेरी एरिया स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ एक अच्छा कंक्रीट फर्क तो लेके आए जिसमें मैं भी जरा पक्का हो जाऊंगी हाँ भाई वाकई फल और सब्जी में फर्क है। अगर जमीन वाला मामला है तो वो भी पूरा नहीं होता, दरख्त वाला मामला है या पेड़ वाला मामला है तो वो आधी बातें हैं आधी नहीं है। खैर दोबारा आप ही की जिम्मे जी, सवाल फिजिकल ऑडियंस के फिजिकल सवाल, आवाम में एक गहरी खामोशी पाई जाती है। ऑनलाइन ऑडियंस, ऑनलाइन के पास अभी तक जितने सवाल आए हैं वो आंसर होंगे और वो सिर्फ दो हैं, यस नहीं चार। अगर उस बंदे को जो बाउंड है एग्रीमेंट के, आपने किसी और रिलेटिव को सेम बिजनेस वहां करवा दे, जी देखिए अगर वो अपने किसी और रिलेटिव को करवा दे तो टेक्निकली उसके रिलेटिव को तो कोई नहीं जानता ना, ये बात कर रहे हैं कि गुडविल अगर एक बंदा बेचे और खुद नहीं कर सकता, उसका कोई यार दोस्त कर सकता है। मसला पता है क्या, मसला उस बंदे के चेहरे से है, उसको देखते ही क्लाइंट समझेंगे असल दुकान ये है। तो ऐसे में अगर उस बंदे को मना कर दिया और उसका कोई रिश्तेदार वहां पे कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ये बीच में नहीं आएगा, इसको पाबंदी है कि तुम इस इलाके में बिजनेस के लिए नजर नहीं हो। देन सर आपने कहा कि अगर पहला वॉइड होगा तो दूसरा भी वॉइड होगा, वाई यही तो रूल है कि अगर एक वॉइड है तो उससे कनेक्टेड जितने भी हैं वो भी वॉइड हैं, और ये क्यों होगा, मैंने अभी वो वाली एग्जांपल दी उस वक्त शायद ये सवाल लिखने के बाद मैंने वो एग्जांपल दी थी, वो जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाली है, कि अगर नीचे वाला अगर बेस एग्रीमेंट ही गलत है तो ऊपर वाले भी सारे। अच्छा जी सर, अगर दूसरा सही होता तो उसे प्रोसीड होना चाहिए, अगर पहला ये अगर आपस में कनेक्टेड है ना तो फिर पहला गलत तो सारे गलत, और अगर बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड है और डिपेंडेंट, जैसे मैंने कहा ना उसने कहा पहले ऑरेंजेस सप्लाई होंगे, जब सप्लाई हो चुके होंगे तो उसके बाद कत्ल होगा, इसका मतलब है कत्ल वाला एग्रीमेंट डिपेंडेंट है पहले वाले एग्रीमेंट, और अगर हम कहें कत्ल होने के बाद वो होगा तो अब कत्ल पे डिपेंड कर अगला वाला। और अगर एक बंदा दूसरे से कहे यार दो शर्तें हैं, या कत्ल कर दो इतने पैसे ले लो, या ऑरेंजेस दे दो इतने पैसे दे लो, या आ गया तो जो कत्ल वाली ऑप्शन है वो खुद ही फारिग हो जाएगी और एक ही ऑप्शन होगी कि ऑरेंजेस दे दो इतने पैसे दे। तो बस जहन में ये रखना है कि अगर मिक्सिंग ऐसे है कि अलग नहीं हो सकता और डिपेंड कर रहे हैं दूसरे पे, तो वॉइड दूसरों को भी खराब कर देगा, और अगर हम अलग अलग कर सकते हैं कि दो अलग अलग एग्रीमेंट है इनमें से कोई एक एक्सेप्ट हो सकता है और एक रिजेक्ट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तो फिर जो सही वाला है वो एक्सेप्ट हो सकता है, जो खराब वाला है वो फारिग। देन ऑनलाइन में जी सर, बिजनेस का सेम नाम तो नहीं रख सकेगा रिलेटिव, बिल्कुल सही कहा, रिलेटिव बिजनेस का सेम नाम नहीं रख सकेगा। एक भाई ने बताया सर फ्रूट्स कम फ्रॉम द फ्लावरिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड कंटेन सीड्स, इन कॉन्ट्रास्ट वेजिटेबल्स आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज लीव, स्टेम, रूट्स एंड बल्ब्स। People often associate fruits with sweetness and vegetable with a savory taste. नहीं जी, वो सामने वाले बच्चे भी ये कह रहे हैं और ऑनलाइन भी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये गूगल से कॉपी हुआ है, लेकिन कम से कम देखे ना एक बच्चे ने इनिशिएटिव लेके, हम तो सब हवा में बात कर रहे थे, उसने कम से कम गूगल पे जाके सर्च करके हमें थोड़ा सा बता तो दिया। तो बताना ही चाह रहे हैं कि फ्रूट जो है फ्लावरिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट से आते हैं। उर्दू में बता देते
असल में कई उर्दू भी बड़ी मुश्किल होती है, जैसे वो उर्दू में साइंस हो ना, बरकी पाशीदगी, अच्छा वो पता नहीं इलेक्ट्रोलिसिस को कहते थे या क्या, मतलब किस तरह से। नहीं, उर्दू में बाकी बड़ी मुश्किल है साइंस। तो फ्रूट जो है वो फ्लावरिंग प्लांट, फूल देने वाले पौधे, नहीं फूल देने वाला हिस्सा। गोभी तो खुद ही फूल है, ठीक है। एक भाई ने गोभी का आरोप लगा दिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने जवाब दे दिया, और हम अभी भी थोड़े से गोभी में सीड नहीं होते बाकी। गोभी तो हम वैसे गोभी को फूल कहते हैं, वो तो है ही फूल बेचारा, उसको जितना भी खाओ अंदर से दोबारा वैसे ही निकल आती है। तो खैर वापस इधर आते हैं, बहरहाल हमें कम से कम एक भाई ने थोड़ी सी कोशिश की, बाकी लोग तो सिर्फ शुगल मेला कर रहे थे, लेकिन एक भाई ने कम से कम कोशिश की। तो ऐसे में ये रजा मेहती साहब है, हम इनका जो है वो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। चलें जी इधर आते हैं, अब कुछ और लोगों ने भी जो है ना वो बताना शुरू कर दिया, नहीं जी अब कुछ नहीं हो सकता। वाह, उन्होंने कहा कि वेजिटेबल जो है वो साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि फल जो है, कह रही है एक अलग दुनिया चल पड़ी। वापस इधर आते हैं, ऑनलाइन सवाल खत्म हो गए, वेरी गुड। तो अब तो हम पढ़ेंगे, पौना घंटा पढ़ेंगे, सोचें मैं कितना एक्साइटेड हूँ। नहीं नहीं तो पेज आपको क्या लगता है, आपको याद है एक पेज एमी किसी टाइम पे दे दिया था कि किसी बुरे वक्त में इसको निकाल के सामने ले आएंगे, याद है वो एक रखा हुआ पेज, वो घर रहेगी। बहुत अच्छी बात है, मैंने कभी आपको कहा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपने साथ साथ पढ़ना होता है, आपने तो हमेशा घर जाके पढ़ना होता है और अगले दिन सवाल पूछते हो, मजीद उसकी लिखी हुई अंग्रेजी सामने बोर्ड पे भी आ जाएगी, मसला ही हल हो गया। ले जी इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट की बात करते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे बड़े जवारी बैठे हैं कि आप तो बड़े अच्छी तरह से जानते हैं मेजर। खैर हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसकी डिस्कशन कर ली थी, एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन जिसमें एक बेट होती है, एक शर्त होती है, अंडर विच मनी और अदर थिंग इज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, याद ही बातें। फिर हमने कहा था यहाँ उस इवेंट का इन लोगों से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और इसके फर्क हमने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ समझे हुए। अब वेजिंग एग्रीमेंट के रूल क्या है, सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड, वेरी गुड, ये बात हमें पता थी। ऑल कनेक्टेड एग्रीमेंट नोइंगली मेड टू सपोर्ट और गारंटी द परफॉर्मेंस ऑफ एनी वॉइड वेजिंग एग्रीमेंट आर वॉइड। इससे कनेक्टेड भी कोई चीज है, दो बंदों ने शर्त लगाई ए और बी ने, फिर सी ने ए ने बी से शर्त लगाई, हाँ भाई तुम पैसे दोगे, बी ने कहा जी मैं पैसे दे दूंगा, फिर ए सी के पास गया, सी से कहा मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करता हूँ, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम गारंटी करते हो कि अगर इसने पैसे ना दिए तो तुम दोगे, उसने कहा जी मैं दूंगा पैसे। अगर ये शर्त थी तो शर्त इतनी गलत थी कि वो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट भी फारिग है, और ये जो अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट कहना भी नहीं चाहिए, पहला एग्रीमेंट भी फारिग है बाद वाला एग्रीमेंट भी। तो अगर एक शर्त है तो शर्त से कनेक्टेड हर चीज फारिग। लॉ को गुस्सा पड़ा है, उन्होंने कहा नो सू कैन बी फाइल्ड, कोई केस नहीं हो सकता फॉर द रिकवरी ऑफ एनी सम ऑफ मनी पेड और पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वॉइड वेजिंग एग्रीमेंट या कमीशन ब्रोकरेज फी या रिवॉर्ड अगर आपने वॉइड वेजिंग एग्रीमेंट में रखा है। मजे की बात है कि आप वेजिंग एग्रीमेंट के तहत अगर आपने इनाम जीती है तो रिकवर नहीं कर सकते, और अगर आपने इनाम दे दिया है तो वापस नहीं ले सकते। मतलब गुस्सा उनको बढ़ा है कि भाई तुम लोगों ने की गलत हरकत है, हमारा क्या ताल्लुक है, सुकून से खुद ही एक दूसरे से लड़ो मारो एक दूसरे को, पैसे लो, अदालत को बीच में मत इन्वॉल्व करो क्योंकि तुमने जो किया वो वॉइड है। तो वॉइड एग्रीमेंट, उससे कनेक्टेड भी हर चीज वॉइड, उसमें केस भी नहीं हो सकता, ना पैसों की रिकवरी के लिए हो सकता है। अच्छा एक बंदे दूसरे शर्त लगाई थी कि अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाए तो मैं 10वें फ्लोर से छलांग लगा के दिखाऊंगा, ये भी तो एक शर्त है ना, पैसे नहीं है लेकिन पैसे जैसी, मतलब उसने कुछ और। अब ऐसा नहीं होगा कि वो बंदा अदालत ले जाए, देखिए पाकिस्तान मैच जीत गया और उसने अभी तक 10वें फ्लोर से छलांग नहीं लगाई। तो ऐसे में इस पे कोई केस भी नहीं हो सकता। इवन नो सूट शैल बी फाइल फॉर फोर्सिंग एनी पर्सन टू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और अदर सच अनसर्टेन इवेंट। किसी को हम इस पे बाउंड भी नहीं कर सकते कि नहीं भी शर्त लगी थी ना, आप मान जाओ कि तुम हारे हो और अब तुमने, यानी कि शर्त के तहत कोई भी किस्म की ऑब्लिगेशन दूसरे बंदे पे कानूनी तरीके से लागू नहीं हो सकती। यहां हम एक सवाल लेंगे ऑडियंस से, यहां से एक सवाल जी। दो तीन मैच खेले, दो
जी दो टीमें अगर मैच खेल रही हैं और जीतेगी उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो ये विजनिंग नहीं है, उनकी अपनी स्किल्स इन्वॉल्व हो गई ना। और हमने क्या कहा था, उस इवेंट का उनसे ताल्लुक हो, उनका तो ताल्लुक है, वो जीते। जी जी बिल्कुल। अब अगेन जो फाइट्स वगैरह हैं, कहने का मतलब है कि जहां पे भी उनका आपस में ये शर्त लगी है कि जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा, क्योंकि वो इन्वॉल्व थे तो वो वेजरिंग नहीं है। लेकिन हो सकता है किसी और कानून के तहत लॉ ने उनको मना किया हो, ये जो जैसे इन्होंने कहा केज फाइट वगैरह वगैरह, एक ऐसी फाइट है जिसमें जो है वो एक बंदा दूसरे को लहू लहान कर देगा तो वो जीतेगा, या कत्ल कर देगा तो वो जीतेगा, तो वेजरिंग एग्रीमेंट तो नहीं है, उसने बड़ी स्किल से उसे कत्ल किया, वो खुद भी इन्वॉल्व था, तो वेजर तो नहीं कहेंगे। लेकिन कोई और कानून भी तो है ना। एक चीज ध्यान में रखनी है, हम जो कानून पढ़े बस दुनिया में सिर्फ ये कानून नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा के दुनिया की हर सिचुएशन पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तिजारती कानून है, दो बंदों के दरमियान जो पैसे या जिन्स की खरीदो फरोख्त का मामला है उसको इस पर अप्लाई करेंगे। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी लॉटरी वगैरह में भी अगेन अब ये डिपेंड करता है कि वो वहां पे अगर कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरा वहां पे अगर उस अनसर्टेन इवेंट का कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय जीत या हार के, तो वेजरिंग है। क्या चीज? जीतो पाकिस्तान, उसमें हाँ, अब अगेन उसमें भी वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, खेल रहे होते हैं। और अगेन मैं आपको दोबारा याद करा दूं कि भाई दुनिया के सारे एग्रीमेंट्स हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे नहीं रख के परखने, हमारे अपने सिलेबस में तकरीबन 6, 8, 10, 11 लॉज है, तो और उन लॉज में भी अक्सर जाके देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली चीजें गलत हो गई, तो इसलिए आपने इसी को ही सब कुछ नहीं मान लेना। जी ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं भाई। बात ये है भाई, एक बंदा दूसरे को कमरे में बैठ के चपेट मार दे और दूसरा उसको अदालत लेके जाए कि इसने मुझे जद्दोकोप किया है, तो शायद जद्दोकोप से रिलेटेड कोई कानून होगा जिसमें अदालत फैसला करेगी। हर चीज पोर्शन नहीं है भाई, वो जुर्म करना या उसकी धमकी देना जो दफा ताजीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म काउंट होता है, जिस पे कोई दफा लगती हो, वो जो सेक्शन है ना उनके, उनमें से कोई चीज लगती हो, अगर लगती है तो दूसरे को थप्पड़ मारना भी जुर्म होगा अगर लगती है, और नहीं लगती तो पोर्शन यहाँ के मुताबिक नहीं है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर समाजी मसले को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मत लेके आए, तो हो सकता है वो एक दूसरे को मारे और अदालत में जाके कहें जी चूंकि ये वॉइड एग्रीमेंट था, आपने तो हमें इंसाफ नहीं देना था, हमने खुद ही एक दूसरे से इंसाफ ले लिया, तो अदालत कहेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वॉइड वो था, लेकिन तुमने जो अभी काम किया वो तो वेजर से भी ज्यादा बुरा है। तो इसलिए हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिट नहीं करना, दुनिया में बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, कुछ और लोगों को लॉयर्स को उनसे निमटने दें, हमारे कानून में बस तजारती वो है, हम जरा शरीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं जिन्होंने पैसों के लेन देन वगैरह की बात करनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या है? पहे, पहे कमाना है। तो ठीक है, सारी बात हम वो पहे वाली करें ना, ठीक है, तो ये लाहौरी जबान में पहे। ऑनलाइन में सर ब्रोकरेज की एग्जाम्पल देते हैं, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज होता है जो मिडल मैन होता है जो कई दफा कमीशन लेता है, तो हो सकता है एक बंदे ने दूसरे की शर्त लगवा के दी हो, दरमियान में आया हो, उसने कहा जी एक बंदा शर्तें लगा रहा है कि जो पाकिस्तान अगर हार गया तो मैं इतना इनाम दूंगा, तो ये बंदा एक और बंदे ने कहा अरे वाह मैं तो लगा सकता हूँ उसके साथ साथ, उसने कहा जो भी शर्त है 10% भाई की ब्रोकरेज, भाई का कमीशन, तो हम कहा है ठीक है। एक भाई ने कहा सर बाहर के मुल्क में तो वेजरिंग अलाउड है, तो मैंने इसलिए पूछा कि हम इस वक्त कहाँ पे बैठे हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में कुछ ऐसी चीजें भी अलाउड है जो हमारा माशरा इजाजत नहीं देता, तो हमने हर चीज को नहीं सोचना। बाहर के मुल्कों में बच्चा अब्बे को जेल भेज देता है, तो वही बात है जो हमने एग्जांपल देखी थी ना कि लॉ कहाँ एनफोर्सेबल था, तो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान सोच ले बड़ी बात है पाकिस्तान के मुताबिक। जी ब्रोकरेज की मैंने एग्जाम्पल दी कि वो फिर परसेंटेज अगर उसने विनिंग वगैरह पे कोई रखी हुई है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ये भी एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर इज सच अ मिडल मैन जो दो पार्टीज को कनेक्ट करवाता है और दरमियान में अपना कमीशन लेता है, स्टॉक एक्सचेंज में भी जो लोग हैं वो भी ब्रोकर कहलाते हैं। जी सर दो पॉइंट्स रह गए, हाँ तो भाई मुझे मतलब थोड़ा सा हौसला तो दे, मैं मतलब आगे चलूं, पिछले सवाल चल रहे हैं। अगर बाहर का बंदा पाकिस्तान में आके वेजरिंग करे तो यहां से लोग बताएंगे, बताएं क्या होगा?
तो बस आप जहां बैठे हुए हैं यहाँ के लॉ के मुताबिक होगा, और अगर वो सफीर है कहीं और का तो फिर मसला होगा हमें, अगर वो कोई और आम शहरी है तो फिर हम उसको कहेंगे ये बेचेंगे। ले जी, लॉ का गुस्सा मजीद कंटिन्यू होता है, लॉ को बड़ा गुस्सा लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी एक शख्स ने किसी दूसरे के बिहाफ पे पैसे दे दिए किसी शर्त में, एक गार्डियन था और माइनर की प्रॉपर्टी उसके जिम्मे थी और उसने वो पैसे दे दिए, और इसी तरह से अगर कोई किसी बंदे का कोई वाली वारिस था या कुछ और इस तरह से, और उसने दूसरे बंदे के बिहाफ पे पैसे दे दिए और पैसे दिए वेजरिंग में, तो वो अदालत से जाके ये नहीं कहेगा जी देखिए ख्याल करें बंदा मर गया उसके पैसे तो वापस दिलवा दें, या जी वो तो बच्चा है वो बेचारे को नहीं पता था मेरे से गलती हुई है पैसे वापस दिलवा दें। कानून ने क्या कहा, अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एनी एडजस्टमेंट फॉर मेकिंग एनी पेमेंट रिलेटिंग टू एनी वॉइड वेजरिंग और एनी कनेक्टेड एग्रीमेंट इफ सच पर्सन इज गार्डियन ऑफ द माइनर ऑन हूज बिहाफ ही मेड पेमेंट। बच्चे ने कहा था जरा शर्त में पैसा लगा दे, बड़ा मजा आता है, चलो बच्चा कह रहा है लगा देते हैं पैसे, लगा दिए पैसे। अब जब बच्चे को बड़े होने पे इसकी जायदाद ट्रांसफर करनी है तो उसको ये एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी कि जायदाद देते हुए उतने पैसे रोक लिए जाए जितने पैसे जो है वो इस बच्चे के कहने पे शर्त पे लगाए थे, तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। इसी तरह से हेयर और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज पर्सन वारी वर्सा जो है ऑन हूज बिहाफ ही मेड पेमेंट, एक बंदे ने अब्बा जी के कहने पर शर्त लगा दी और वो शर्त में हार गया। अब्बा जी के मरने पे जब जायदाद की तकसीम हुई तो उसने भाइयों के सामने अपने कहा कि जी अब्बा जी के कहने पे मैंने एक शर्त लगाई थी और उस शर्त में इतने पैसे में हार गया हूँ अब्बा जी के लिए, तो अब जायदाद में से इतने पैसों की मुझे एडिशनल एडजस्टमेंट दी जाए क्योंकि मैंने अब्बा के कहने पे लगा दिए थे। तो लॉ को गुस्सा इतना है कि वो कहते हैं ये पैसे भी नहीं मिल, वेजरिंग है ना, वेजरिंग पे तो उन्होंने कहा ना कानून में आप जा सकते हैं ना कुछ और हो सकता है, और आपने किसी बंदे के बिहाफ पे भी पेमेंट कर दी तो कल को आपको उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, उसका भी कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, उसको भी आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, वेजरिंग पे उन्हें गुस्सा ही बढ़ा। लेकिन इसमें जो मजेदार कमाल एक्सेप्शन है, इसकी एक एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे, उस एक्सेप्शन के लिए स्क्रीन चेंज कर वाइट कर दे खाली वाइट और ब्लैक से लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस जमाने का है जी, 1872 का कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सा जमाना है, बड़े सगीर पाको हिंद, अंग्रेज हम पे हुकूमत कर रहे थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर दौरा था और वो चीजों को रेगुलेट कर रहे थे। उस टाइम पे इन्होंने अंग्रेजों ने आके बड़े सगीर में देखा कि यहाँ पे वेजरिंग बहुत ज्यादा है, बड़े सगीर में वेजरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, उन्होंने आते साथ ही कानून पास कर दिया कि वेजरिंग मना है, क्योंकि वो देखते थे बड़े सगीर के गरीब लोग हैं, एक दूसरे से शर्तों में शर्तें लगाते रहते थे और हार जाते थे, फिर मारकूट अदालत ये वो और वो एक लंबे चौड़े झगड़े चलते थे, तो वो बड़े तंग आ गए, उन्होंने कानून पास कर दिया कि वेजरिंग वॉइड, वही बात है ना, जैसे एक भाई ने कहा बाहर तो अलाउड है, अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये गरीब लोगों की चीज ही नहीं है, क्यों ये गरीब लोग इसके ऊपर वो कर रहे हैं, तो अंग्रेज ने गुस्सा दिखा के कहा वेजरिंग वॉइड, फिर खुद फंस गए, क्योंकि अंग्रेज घोड़ों की रेस पे शर्तें लगाते थे, घोड़ों की रेस चल रही होती थी, वो बैठ जाते थे शर्तें लगाते थे और शर्त के एंड पे जो जीतने वाला है जिस वो उसको इनाम मिल जाता था, और जो शर्त लगा रहे होते थे उनमें से अक्सर का ताल्लुक भी नहीं होता था उस हॉर्स रेस से, बस सिर्फ जिसका घोड़ा जीतता था उसके साथ होता था कि इतने का इतना मिलेगा या फलाना, और शर्त उसको मिल जाती थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि तो हम फंस गए, हम लोगों ने जो है वो शर्त लगाना मना किया और कानूनन मना कर दिया, तो अब हम उसी मुल्क में अगर हम शर्त लगाएंगे तो लोग कहेंगे लो जी कानून हमारे लिए इन बड़ों के लिए तो है नहीं। तो उन्होंने फिर रूल पास किया कि शर्तें लगाना मना है सिवाय घोड़े की रेस, अवाम को और क्या चाहिए, सब लोग घोड़े की रेस वाले दिन बड़े सगीर पूरा उमड़ आता था, क्योंकि अब उनको एक ही एवेन्यू मिल रहा है जहां वो लीगल शर्त लगा सकते हैं, और फिर वो चिट्टे वाला घोड़ा जीतेगा काले वाला घोड़ा जीतेगा, 5 रुपए की शर्त लग गई, 10 रुपए की, मतलब उस जमाने की बात है जब 5-10 रुपए भी बहुत बड़ी अमाउंट होते थे 1872, तो उन्होंने फिर शर्तें लगाना शुरू कर दी, अंग्रेज को फिर तब चढ़ी, और शर्तें भी आपस में लगाते थे, चलो भाई शर्त लगा के विनर को दो, जिसका घोड़ा जीता है उसको इनाम पहुंचे, चलो पर बात समझ भी आती है, अंग्रेज तो फिर भी शर्तें लगा लोगों के इनाम देते थे उसको जो जिसका घोड़ा जीता है, तो ऐसे में वो परेशान हो गए कि जी हमने शर्त लगाना मना कर दिया तो हम फंस जाते हैं,
और अगर घोड़े की शर्त अलाउ कर दें तो भी फंस जाते हैं। तो उन्होंने फिर एक पेचीदा सी क्लॉज डाली, उन्होंने कहा जी वेजरिंग एग्रीमेंट मना है सिवाय हॉर्स रेस पे, नंबर वन। नंबर टू, इनाम विनर को जाना चाहिए, और नंबर थ्री, उसकी वैल्यू 500 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, आज के कई हजार, शायद लाख, 1.5 लाख भी हम कह सकते हैं आज के हिसाब से, ताकि गरीबों के लेवल से बात ऊपर चली जाए। और जब आपस में इनाम नहीं देंगे और विनर को जाएगा तो भी मायूस हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी उस आदत को जस्टिफाई करने के लिए एक एक्सेप्शन लॉ में दे दी। तो अब आपसे कोई पूछे वेजरिंग मना है तो आप कहेंगे हाँ जी पाकिस्तान में वेजरिंग मना है, लेकिन सिर्फ घोड़े की रेस पे लगाई हुई 500 रुपए से ज्यादा की वो शर्त जिसके जीत के पैसे विनर ऑफ द हॉर्स रेस, यानी जो मालिक है उस घोड़े का, जो कि उसको वो दौड़ा रहा है, उसको मिलेंगे, तो ये अलाउ। अजीब सी एक्सेप्शन है, लेकिन चूंकि उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी, आज के दौर में ये अमाउंट बढ़ा देते या एक्सेप्शन खत्म कर देते कि अंग्रेज चले गए। फिर वो सोचा अंग्रेज जो लिख के गए हैं सही लिखा होगा, कानून में क्यों छेड़छाड़ की है। जी जो उन्होंने रखी है शर्त के जो रिवॉर्ड है वो जाएगा जो रेसर है अभी, बिल्कुल। तो इसमें उनको फिर क्या फायदा इस रेसिंग इनको क्या फायदा? असल में इसमें रिवॉर्ड दो तरह का है ना, रिवॉर्ड है रिवॉर्ड ऑफ अबाउट के, कौन जीता कौन हारा। जिसका घोड़ा हारेगा वो पैसे देगा जिसका घोड़ा जीता, जिसने जिस भी घोड़े पे शर्त लगाई है। अब अलग अलग 15 घोड़े हैं, हर घोड़े पे अलग अलग शर्त लगी है, उन शर्तों का सारा पैसा इकट्ठा होके उस घोड़े के मालिक को मिलेगा जिस घोड़े के मालिक की वो रेस जीती गई है। तो टेक्निकली बाकियों का ताल्लुक जीतने वाले घोड़े से नहीं है, और अक्सर तो वो है जिनका घोड़ा भी कोई नहीं दौड़ रहा हुआ, वो दूर बैठ के शर्त लगा रहे हैं, लेकिन जितनी भी शर्तें वो क्यूमुलेट होंगी और एक प्लेट ऑफ विनिंग प्राइस जो है वो मिल जाएगी जीतने वाले बंदे को, या अगेन उसके ब्रोकर, या तो अगेन क्योंकि ये वॉइड नहीं है तो इसमें ब्रोकर भी बीच में आ जाए तो भी चलेगा, इसके अंदर पूरा आप सारे काम कर लें वो सब वैलिड है, और इसमें अदालत में जाके क्लेम भी कर सकते। जी एक्सेप्शन समझ आई? जी, शर्त, जी शर्त लगाई है तो आपको क्या फायदा होगा? होता क्या है, आप पहले जाके देखते हैं कि किस किस का घोड़ा कितना कंपेटेंट है, किस किस की क्या हिस्ट्री है, पूरी एक रिसर्च है, फिर लोग उसके हिसाब से शर्त लगाते थे, फिर उस बंदे के पास जाके कहते थे जी आपके घोड़े पे मैं ये रेट लगा रहा हूँ, और अगर ये जीत जाता है तो इतना हिस्सा आपको और इतना मेरा, कंटिजेंट हो गया ना, पहले जीतने वाले को मिलेगा, जब जीतने वाले को सारी नाम मिल जाएगी तो फिर जिन लोगों ने इसके कहने पे शर्तें लगाई थी, रेट ऊपर नीचे किया था, ये उनमें बांटेगा। तो पूरी इसके पीछे साइंस है, इसके लिए कोई ऐसी मूवी देखनी पड़ेगी जिसमें घोड़ों की रेस के ऊपर क्या साइंस चल रही होती है। जी बात समझ आई? जी प्राइस बॉन्ड किस में आते हैं? ये गवर्नमेंट के कानून में आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो जाके पढ़ लें उसमें लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जी गवर्नमेंट ने आपसे डिपॉजिट मांगा है, उन्हें कहा जी आप हमें पैसे दें ताकि पाकिस्तान अच्छा चले, और हम भी कभी कभार आपको इनाम दे दिए, तो वो एक कैश की तरह से है जो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट उसके बदले में कुछ फेवर दे देती है चंद लोगों को। लेकिन इस वक्त हम जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होता, ना ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई होता है, उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून देखने की जरूरत है। यहां तक बात समझ आई? अब अंग्रेजी देखते हैं। देखें अगर तो ये वॉइड नहीं है तो इससे कनेक्टेड भी सब ओके है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो हमने कहा था अगर वॉइड हुआ तो अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए तो मैं इसमें कह रहा हूँ इसमें ब्रोकर भी आ सकता है। डन, अंग्रेजी देखते हैं। भाई कुछ पूछना चाहते हैं? क्या चीज़? जी एक भाई ने कहा बिटकॉइन की, आप बिटकॉइन कहें, ये माइक कहें, ये कीबोर्ड कहें, ये कागज कहें, ये टेबल कहें, ये क्लासरूम कहें, ये बच्चा कहें, ग्लासेस कहें, मोबाइल कहें, घोड़े के अलावा कुछ भी बोल देंगे ना तो मैं कहूंगा वर्ड। मेरी बात वही है ना, हम इस वक्त बात क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वेजरिंग एग्रीमेंट मना है, लेकिन उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, घोड़े की रेस। अब वो चाहे बिटकॉइन हो, चाहे ट्रिपल बुक एंट्री सिस्टम हो, चाहे उसके तहत क्यूमुलेट होने वाली सारी चीजें, वो इस वक्त हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, हम फिर एक अलग दिशा में चल पड़ेंगे।
कि वो क्या है, वो कैसे क्यूमुलेट होता है, उसको निकाल कैसे सकते हैं, उसको क्यूमुलेट कैसे करते हैं। तो इधर घोड़े के अलावा कोई भी शर्त मना है। अब सवाल ये कि बिटकॉइन शर्त है, यानी इसके ऊपर भी कानून साजी हो रही है। कुछ मुल्कों ने इसको लीगल कर दिया है, कुछ मुल्क अभी कंफ्यूज है इसको लेके कि क्या होगा, लेकिन आगे की हमारी अकाउंटिंग का सिस्टम भी बहुत हद तक डिपेंडेंट हो जाएगा। हम डबल बुक एंट्री सिस्टम पढ़े हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, अब ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है जो कि बिटकॉइन जिस उस पे चलता है फलसफे पे, तो उसमें पैरेलल बुक्स होती हैं जिनमें रिकॉर्डिंग हो रही होती है मल्टीपल बुक्स। तो अगेन वही बात है, आपने बोला तो मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर तस्करा कर दिया, आप लोगों ने कुछ नहीं सुना। वेजरिंग मना है, घोड़े की रेस में जीतने वाले को इनाम वो भी 500 से ऊपर का मिले अगर, तो वो जायज है कानून में। वेजिंग एग्रीमेंट वॉइड है। जी अगर माइनर वेजिंग एग्रीमेंट करता है तो क्या होगा, माइनर ने तो बेवकूफी की भाई, माइनर अगर जाके अपने पैसे गुमाए तो क्या अदालत उसको रिकवर करके देगी। तो माइनर अगर गलती कर रहा है असूलन, तो माइनर अपने गार्डियन के थ्रू काम करेगा, माइनर को कोई शर्त भी नहीं लगाने देगा। तभी हमने लिखा कि अगर किसी गार्डियन ने भी माइनर के बिहाफ पे लगा दिए, इसका मतलब है जब भी वो ज्वाइंटली किसी माइनर किसी मेजर के साथ ज्वाइंटली होगा तो कौन जिम्मेदार होगा हर मामले में। यहां उन्होंने यही कहा है कि माइनर के बिहाफ पे भी आपने शर्त लगा दी ना, तो भी आप एडजस्टमेंट माइनर से नहीं ले सकते, वो पैसा बड़े का जाया हुआ है, माइनर महफूज है। लेकिन माइनर खुद ही जाके चीजें फेंकाए, उसको रोका तो नहीं जा सकता। जी 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 वो कर तो यहाँ पर आके बेच रही रहा है, लेकिन ये तो हमारी गवर्नमेंट उसको सजा कर सकती है ना, हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। अगर बाहर का कोई सफीर पाकिस्तान में आके वेजरिंग कर रहा है तो पाकिस्तान की अवाम उसको अदालत में नहीं ले जा सकती, गवर्नमेंट अगर उसे ले जाना चाहे तो वो ले जाए, लेकिन गवर्नमेंट भी ऐसे सफीरों को जो जुए लगाते हैं नहीं लेके जाती। कुछ तो लेवल का सफीर होगा ना जो जुए लगा रहा है, और हो सकता है किसी महफिल में बैठ के शहद पीते पीते जो है वो जुआ चल रहा हो। आपको पता है अक्सर महफिल से शहद बरामद होता है, बाहर गाड़ी में से निकल आता है, अंदर निकल आता है। जी वेजिंग एग्रीमेंट अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टू अ प्लेट और प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ 500 and above टू बी अवॉर्डेड टू विनर ऑफ अ हॉर्स रेस। तो हॉर्स रेस के विनर को 500 या 500 से ज्यादा की अमाउंट अगर मिलती है तो ये लगाई गई वेजर जो है ये अलाउड है, ये एक एक्सेप्शन है, ये वाहिद एक्सेप्शन है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वेजिंग एग्रीमेंट हो सकता है। डन। हमने पूरी कोशिश की टाइम वेस्ट करने की, लेकिन हम वेस्ट नहीं कर सके, मुझे बड़ी खुशी होगी। ना करें, सामने क्या है लीगल प्रोसीडिंग। एक भाई ने सामने स्क्रीन पे नहीं देखा और अपने कागज को उलट पुलट के देखा, ओए ये रह गया, तो भाई ने सामने स्क्रीन पे कोई सजा है। एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी कार्रवाई करने से रोक देने का एग्रीमेंट। वाह, इंग्लिश लेफ्ट से राइट चलती है और उर्दू राइट से लेफ्ट चलती है। इंग्लिश में पढ़ रहे थे एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, उर्दू में राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे। लीगल कार्रवाई कानूनी कार्रवाई से रोकने का वादा। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी को आप रिस्ट्रिक्ट कर दें, भाईजान आप अपना राइट इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप टाइम लगा दें कि इतने टाइम तक आप अदालत में नहीं जा सकते, ऐसा मुआहदा, ऐसा वादा, ऐसी चीज गलत है। किसी को कानून में अपना हक इस्तेमाल करने से आप नहीं रोक सकते। लेकिन दो चीजों को उन्होंने कहा है कि भाई ये नहीं कहलाएगी लीगल प्रोसीडिंग की रिस्ट्रिक्शन। वो क्या है, एन एग्रीमेंट वेयर बाय पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल एन अपील इन अपर कोर्ट ऑफ लॉ। आपको पता अदालतों में क्या होता है, पहले फैसला हुआ, फैसला होने के बाद पार्टीज अगर चाहें तो उससे ऊपर की अदालत में जाकर उसे चैलेंज कर सकते हैं कि जी नीचे की अदालत का फैसला, इसको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, इसे कहते हैं अपील कर दी अपर लेवल की कोर्ट में। तो दो बंदे अगर ए बी से कहे कि तुम मेरे से ऑरेंजेस खरीदो और मुझे इतने पैसे दो, लेकिन तुम अदालत नहीं जा सकते कि मैं तुम्हारे साथ जुल्म करूं, तो ये गलत है। या हम में से कोई अदालत नहीं जाएगा, ये भी गलत। लेकिन अगर वो कहें हम अदालत जाके अपना हक ले सकते हैं, लेकिन एक दफा फैसला आ गया तो हमें से कोई चैलेंज ही नहीं करेगा उसे किसी और बड़ी अदालत में जाके, ये हो सकता है, क्योंकि आपने उसका बेसिक राइट मुतासर नहीं किया, उसको अदालत जाने की ऑप्शन दी है, लेकिन अब खामखा केस को लटका के बड़ी से बड़ी अदालत और टाइम वेस्ट करने से आप रोकना चाह रहे हैं, तो रूल ये है कि किसी को अदालत में जाके कार्रवाई करने से रोक देने का एग्रीमेंट वॉइड है।
लेकिन किसी को एक अदालत से फैसला आने के बाद उससे ऊपर की अदालत में जाने से अगर रोकने का एग्रीमेंट है तो ये उस शर्त में नहीं आता, ये उस रूल में नहीं आता। मैं कह सकता हूं कि ये एक एक्सेप्शन है, ये पहली एक्सेप्शन बन जाएगी। तो अदालत जाके केस करने से रोकना मना है, लेकिन अदालत के आए हुए फैसले के ऊपर अपील कर देने से रोक देने का एग्रीमेंट लॉ ने इजाजत दी। ये एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई कैप सिनेरियो बनाते हुए कोशिश करेगा कि वो ऐसी चीज पूछे जो जनरल रूल ना हो, एक्सेप्शन हो, ताकि आप जनरल रूल से आंसर करते हो और बाद में पता लगे ओहो ये तो एक्सेप्शन था, ये तो अलाउड था। तो हायर कोर्ट में अपील करने से रोकने का एग्रीमेंट सही है, लेकिन सिरे से कोर्ट में जाने से रोकने का एग्रीमेंट गलत है। दूसरा, अगर पार्टीज किसी एक कोर्ट को सिलेक्ट कर लें दो इक्वल कंपिटेंट कोर्ट्स में से, शादरा के एक बंदे ने गज्जुमता के एक बंदे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं डेली 20 रुपए भर के तुम्हारे पास आया करूंगा, और उसने कहा मैं 20 रुपए भर के, खैर अगेन शादरा और गज्जुमता बेसिकली दोनों के दरमियान मेट्रो चल रही है, तो शादरा और गज्जुमता दो अलग अलग जगह पे लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, गज्जुमता में भी एक अदालत है और शादरा में भी एक अदालत है और दोनों बराबर रैंक की है। पार्टीज ने आपस में तय किया कि अगर हमारा तुम्हारा कोई मसला हुआ तो हम गज्जुमता की अदालत में नहीं जाएंगे, हम शादरा की अदालत में जाएंगे, अलाउड है। देखिए कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोका, सिर्फ दो बराबर दर्जे की कोर्ट्स में से कह दिया यार उधर नहीं इधर कर लेंगे, तो इसको रुकावट तसव्वुर नहीं की जाएगी। किसी को अदालत में जाने से रोक देना मना है, लेकिन दो बराबर लेवल की अदालतों में से किसी एक के पास जाना और किसी एक के पास ना जाने का एग्रीमेंट अगर करते हैं तो ये अलाउड है। अगर अदालतों के रैंक में फर्क होता तो फिर ये रूल अप्लाई होता। तो ये एग्रीमेंट करने वाले दूसरे बंदे को ध्यान रखना होगा ना कि वो क्यों शादरा कह रहा है, और अगर वो फिर भी मान गया तो बाद में ये नहीं कह सकता जी मैं मासूम था, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था, और हो सकता है वो अदालत में जाके साबित कर दे कि देखें जी इस बंदे ने मिस रिप्रेजेंट किया या फ्रॉड किया, तो केस तो कोई भी निकल सकता है। बात समझ आई? जो मेन एक्सेप्शन है वो है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन सालिसी, तो ना सालिस बीच में आ गया, पंचायत बीच में आ गई, कभी कभी पार्टीज आपस में तय कर लेती हैं। इसमें कानून है 1940 का, हमारे सिलेबस में मौजूद है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, 1.5-2 सफे का वो कानून हमारे सिलेबस में है, तो डिटेल से वहां बात होगी, यहाँ मैं हल्का सा तस्करा कर रहा हूँ, लेकिन याद रहे कि मैंने इसके ऊपर एक कानून आपको अलग से आगे जाके पढ़ाना है इंशाल्लाह। आर्बिट्रेशन, अगर दो पार्टीज आपस में राइटिंग में ये तय कर लें कि देखो हमारा तुम्हारा मसला आया तो हम अदालत नहीं हम फलाना अथॉरिटी के पास जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में, मतलब कॉलेज ने बच्चे के साथ एग्रीमेंट किया और आपस में तय ये किया कि देखो हमारा तुम्हारा कोई डिस्प्यूट हुआ हम आईकेएफ के पास जाएंगे और जो आईकेएफ कहेगा हम वो मान लेंगे, तो ये आर्बिट्रेशन हो गई। आर्बिट्रेशन में आप अपनी पसंद से अदर देन अदालत किसी और सालिस को बीच में लेके आते हैं, अगर दोनों पार्टीज मान जाए और दोनों ने राइटिंग में माना हो और कानून के रूल्स के मुताबिक माना हो, 1940 का जो कानून है, तो दिस इज अलाउड कि आप कानून की तरफ जाने से रोक सकते हैं और कानून के अल्टरनेट जो आर्बिट्रेशन का सिस्टम है उधर जाना आप अलाउ कर सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ते हैं, एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन हु एग्री दैट एनी डिस्प्यूट शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, ये एक्सेप्शन कि पार्टीज ने आपस में एग्री किया कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। पार्टीज मे एग्री दैट एनी डिस्प्यूट विच मे अराइज बिटवीन देम, जो उनके दरमियान आ सकता है, शेल बी रेफर्ड, रेफर किया जाएगा, उधर पेश किया जाएगा, किधर? टू आर्बिट्रेशन, एंड ओनली द अमाउंट अवॉर्डेड इन सच आर्बिट्रेशन शेल बी रिकवरेबल। फिर हम अदालत नहीं जाएंगे, जो सालिस ने कह दिया, जो पंचायत ने कह दिया, जो आईकैप ने कह दिया, जिसको भी आप सालिस बीच में लेके आए, जो उसने कह दिया हमारी तरफ से वो फाइनल अमाउंट होगी, हम फिर उस पर बहस नहीं करेंगे। सू मे स्टिल बी ब्रॉट बाय अ पार्टी इन कोर्ट, एक पार्टी अदालत में फिर भी केस कर सकती है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रिकवरी ऑफ दैट। हुआ ये कि पंचायत ने फैसला सुना दिया कि आप इतना पैसे अदा करें इसको और दूसरे बंदे ने वो पैसे अदा नहीं किए, तो उन पैसों की अदायगी के लिए आप अदालत में जा सकते हैं कि देखिए हम आर्बिट्रेशन की तरफ गए थे, लिखे हुए एग्रीमेंट के तहत इस बंदे को पंचायत ने ये सजा सुनाई थी, अब इस बंदे को कहेंगे ये सजा को पूरा करे। तो रूल क्या है? आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को फॉलो करना है, राइटिंग में जाना है, और जब वहां जाएंगे और वो फैसला आ जाएगा तो वो फैसला अदालत के फैसले की तरह जो है
वो मौसर होगा और इवन अदालत में जाके भी आप उस फैसले को एनफोर्स करा सकते हैं। सिर्फ ये प्रेजेंट ही नहीं, इसमें एक और जुमला भी है, टू और मोर पर्सन मे एग्री इन राइटिंग टू रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी क्वेश्चन बिटवीन देम व्हिच हैज ऑलरेडी अराइजन। एक तो ये मामला हुआ ना कि आज तय करेंगे जब फटा होगा हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, वो भी ठीक है, और यूं भी हो सकता है कि आप कहें वो जो हमारा पुराना फड्डा चला आ रहा है ना, आओ उसको आर्बिट्रेशन में ले चलते हैं, कोर्ट से हट के सेटल करते हैं। इसमें आर्बिट्रेशन के साथ एक प्रॉपर एक रिकंसिलिएशन का एक पैनल होता है, जिसमें कई दफा कुछ वकीलों ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ होता है कि वो सेंट्रल उसमें आज के बैठ जाते हैं, दोनों पार्टीज की आपस में आउट ऑफ कोर्ट बातचीत करवाते हैं, उनकी सेटलमेंट कराते हैं और मामले को अदालत से बाहर बाहर ही सेटल कर लेते हैं। इस तरह की चीज उन्होंने अलाउ की हुई है। रूल दोबारा सुन लें, किसी को अदालत जाने से रोकना मना है, लेकिन अगर पार्टीज राइटिंग करके आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत आपस में एग्री कर लें कि हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे जो कानून के मुताबिक हो, तो दिस इज एन एक्सेप्शन, वो अदालत को छोड़ के जा सकते हैं आर्बिट्रेटर के पास, और आर्बिट्रेटर ने जो फैसला दिया उस फैसले की इंप्लीमेंटेशन भी अदालत से जाके करवा सकते हैं। आर्बिट्रेशन में मौजूदा फैसले पे भी जा सकते हैं, मुमकिन झगड़े पे भी जा सकते हैं और गुज़िश्ता झगड़े पे भी जा सकते हैं। यहां से एक भाई का सवाल था, पंचायत कह सकते हैं, एग्जैक्टली पंचायत कहना मुनासिब नहीं है, मैं एग्जांपल में पंचायत कह रहा हूं, मतलब एनी सेंट्रल बॉडी, और अगेन वो सेंट्रल बॉडी नहीं जो खुद बीच में आ जाए मैं फैसला करूं, वो सेंट्रल बॉडी जिसको दोनों पार्टीज ने इन राइटिंग एग्री किया हो कि हाँ भाई ये हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, तो ये इन राइटिंग होना बड़ा जरूरी है। आगे हम जिसका कानून पढ़ेंगे तो इसकी और बारीकियों को समझेंगे। आर्बिट्रेशन में सिर्फ रेस्टिट्यूशन पनिशमेंट? जी, आर्बिट्रेशन में फिर पनिशमेंट होगी या नहीं होगी या खाली रेस्टिट्यूशन होगी, क्योंकि आर्बिट्रेशन के पास शायद कानूनी पावर बहुत ज्यादा ना हो तो वो सजाएं उस तरह से नहीं दे सकेंगे, लेकिन वो अमाउंट और उसकी रिकवरी वगैरह नॉर्मली सजेस्ट कर देंगे। कुछ आर्बिट्रेटर होते हैं जिनके पास कानूनी पावर भी होती है, जैसे आईकैप, अगर आईकैप कह दे कि हाँ भाई इस बच्चे ने बड़ा गलत हरकत की, हम इसका सीआरएन ही कैंसिल कर रहे हैं, तो उनके पास ये लीगल पावर है कि वो खत्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ आर्बिट्रेटर के पास कानूनी पावर होगी और कुछ के पास नहीं। आर्बिट्रेटर कैन बी एनी बॉडी, एनी पर्सन, आर्बिट्रेशन का लॉ उसकी शर्तें बताता है कि वो कौन होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। हम अपने सिलेबस में थोड़ा सा आर्बिट्रेशन का लॉ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, अगर आर्बिट्रेशन का फैसला सही नहीं आया या आपको मसला है, तो जिस तरह से अदालत का फैसले पे अपील हो सकती है, इस तरह से आर्बिट्रेशन के फैसले पे भी अपील हो सकती है। जी, अगर अगर तो गलत फैसला आया है तो, लेकिन अगर अदालत कह दे कि आर्बिट्रेशन का फैसला सही है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। कहां आर्बिट्रेशन में जाएंगे, अदालत में नहीं जाएंगे, लेकिन आर्बिट्रेशन का फैसला आया, हाँ, अब वो फैसले पे अगर कुछ गड़बड़ है या उस फैसले में एक अमाउंट उन्होंने कहा ये रिकवर होगी और उनके पास चूंकि कानूनी पावर नहीं थी वो रिकवर करा नहीं सके, ठीक है जी। अब अगर आर्बिट्रेशन में किसी के खिलाफ फैसला आया, पॉइंट यही है कि अगर वो फैसला सही है फिर तो वो नहीं जा सकता अदालत, और अगर वो फैसला गलत है तो फिर वो जा सकता है। इसलिए मैं आपको दोबारा याद करा रहा हूं कि हमने इस पे कानून पढ़ना है, अभी तो हमने सिर्फ एक्सेप्शन पढ़ी है, इसका कानून है जो बताएगा कि क्या है, इसमें ऊपर अपील कर सकते नहीं कर सकते, कितने लोगों के, किस तरह से, तो 1.5-2 सफे का एक कानून इसके ऊपर हमने पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में जाके। कुछ समझ आई एक्सेप्शन? सबको समझ आई? ऑनलाइन आर्बिट्रेशन का मतलब सालिस आ जाना, किसी का दरमियान में आ जाना, मिडलमैन बन जाना, जो कि फिर आपके फैसले कराए और आप उसको खुद से इख्तियार दे देंगे तुमने फैसले का। एक मिनट, आप लोग तो डीसी भी पढ़ के आए होंगे, आपने आर्बिट्रेशन भी पढ़ी होगी, एमवी मेरी इतनी अनर्जीज लगा रहे हैं और इतने मासूम बन के पूछ रहे हैं आर्बिट्रेशन क्या होती है, खुदा का खौफ करें, वो ध्यान से नहीं पढ़ा था। अच्छा, बच्चे हंस के एक दूसरे को कह रहे हैं, सर को लग रहा है कि हम डीसी भी पढ़ते होंगे। बीसी एग्जाम तो कोई बीसी कब होती है? एग्जाम फंक्शनल इंग्लिश एग्जाम तो होती है, बीसी तो नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी बात, वक्त के दामन में गुंजाइश ही गुंजाइश है, अन्यवा टाइम है हमारे पास, बेतहाशा टाइम है हमारे पास। अब तो मुझे नीचे भी नहीं जाना होता, नीचे खूब अंधेरा है। कौन सा क्वेश्चन? That's great.
हाँ अब वो जो क्वेश्चन टेस्ट में आया था ना, अब आप जाके पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, आगे पढ़ेंगे जी। मैंने उस वक्त भी हल्का सा आइडिया देके समझा दिया था, लेकिन इस टाइम पे ना बस टेक्नोलॉजी मसला ना करे, बाकी कोशिश हमारी पूरी होनी है। खुल जा भाई, ऐसा ना हो कि कल मैं से शुरू करूं और आप दरमियान में कहें सर बस अब तो चैप्टर खत्म कर दिया आपने सर, तो थोड़ा सा अभी कर लें, थोड़ा सा कल करते हुए हम उससे एक दर्जा आगे निकल जाएं, फिसलते फिसलते आपको बताइए। खुल जा भाई, आपको पता है हमारा एक चौथाई सिलेबस खत्म हो चुका है, बाकी मतलब 1/4 खत्म हो चुका है सिलेबस। आउटलाइन याद है किसी को? चलिए जब आपको किताब मिलेगी तो उसके शुरू के सफों में सिलेबस आउटलाइन सामने जगमगा रही होगी। नहीं जी, कुछ रोमांचक बातें करते हैं। एक कभी कभी ना याद है एसेंशियल्स पूरे होने जरूरी हैं कॉन्ट्रैक्ट टेक्स्ट के लिए, मुझे कोई से 8 एसेंशियल्स बता दें। ऑफर, एक्सेप्टेंस, सारे अलग अलग जी, लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होना चाहिए, कम्युनिकेट तो उसके अंदर की रूल है ना, मेन एसेंशियल, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। मैंने 8 नहीं बोला, नहीं मैं देखे मैं एक ही करके वो कर रहा हूँ। अच्छा वो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अलग अलग था, वो हमने इकट्ठे कर लिया था। फिर अगेन सर्टेनिटी वगैरह भी होती है, तो अगर आप चैप्टर 2 को देखें तो इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस है और थोड़ा सा सर्टेनिटी पे बात है। चैप्टर 3 पे देखें तो उसमें कंसिडरेशन की बात है, कॉम्पिटेंस की बात है और ऑब्जेक्ट के लॉफुल होने वगैरह की बात है। चैप्टर 4 में देखें तो फ्री कॉन्सेंट की बात है और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। तो टेक्निकली चैप्टर 2, 3, 4 ने हमें एसेंशियल बताए और 5 ने एक स्पेशल किस्म का हमें कॉन्ट्रैक्ट बताया। डन। एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कब कहते हैं? जब उसके एसेंशियल पूरे हो। लेकिन कभी कभी लॉ को तरस आ जाता है, लॉ को ये लगता है कि दो पार्टीज के दरमियान एक ऐसा मामला हुआ जिसमें एक पार्टी के साथ बिला वजह नाइंसाफी होने जा रही है, तो लॉ उन बंदों के दरमियान होने वाले मामले को खुद ही से कह देती है वो कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा सुन लें, दो बंदों के दरमियान एक ऐसा मामला जिसमें कानून को लगता है कि किसी एक के साथ जुल्म हो रहा है, कानून कह देता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, एक बंदे को एक पर्स पड़ा हुआ मिला, उस पर्स में थे 1,500 रुपए। उसने देखा आईडी कार्ड वगैरह देखा तो इस्लामाबाद का एक बंदा था जिसका पर्स यहाँ पे रह गया था। उसने तो उधर ढूंढा नहीं मिला, फिर उसे समझ आ गया कि वो अपने घर में होगा, तो चलो मैं इस्लामाबाद जाके उस बंदे को उसका पर्स वापस कर। इसने बस करवाई अपनी तरफ से, सस्ते खर्चे वाली बस ढूंढी, लेकिन वो 800 रुपए की थी, 800 रुपए इसके जाने के लगे। वहां से उसने बैठ के फिर रिक्शे से या कोई और सवारी से कोशिश की, 150-200 रुपए और खर्च करके 1,000 रुपए खर्च करके उस बंदे के पास पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, वो बाहर निकला, इसने कहा जी आपका पर्स? उसने कहा हाँ ये तो मेरा पर्स है, ये जी मुझे लाहौर में पड़ा हुआ मिला था, मैं वहां से ऑल द वे सफर करके आई हूँ आपका आपका पर्स देने के लिए। उस बंदे ने पर्स उठाया, इसको गले लगाया, इसको कहा आप जैसे फरिश्ते आजकल कहाँ मिलते हैं, और वापस चला गया। इसने दरवाजा खटखटा के कहा कि मुझे आने जाने का किराया ही दे दें। उसने कहा मैंने कब एग्री किया था आपसे? ऑफर हुई थी, एक्सेप्टेंस हुई थी, कंसिडरेशन तय हुई थी, सर्टेनिटी थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन अदालत को लगता है कि यहाँ एक बंदे ने अच्छाई में दूसरे के साथ कुछ अच्छा किया है, तो उसका इतना लीगल हक बनता है कि उसको अपना जायज खर्चा वापस। तो ये जो इनके दरमियान खुद ब खुद हो गया, ये कौसा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उस बंदे ने जब कहा कि जी मेरा तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसने कहा मुबारक को हाथ में लाए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपके हिसाब से लॉ पढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, हो जाते। तो कौसाई कॉन्ट्रैक्ट अगर अभी पेपर में भूल जाए तो एक जुमला आपने याद रखना है, ये होते नहीं हो जाते, होते नहीं
हो जाते हैं। और जब आपके जहन में मनफी और सिफली ख्याल आना शुरू हो जाएं तो आपने ऊपर लिख देना है कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको पढ़ते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। पार्टीज ने क्रिएट किया नहीं होता, खुद ब खुद, खुद ब खुद कानून को लगता है कि यहां किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए तो इनको कॉन्ट्रैक्ट बना देते। इनको हम कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, लेकिन किताब ने सोचा चैप्टर का नाम जरा लंबा सा होना चाहिए, तो आप जरा देखें चैप्टर का नाम क्या है आठवें, सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग टू दोस क्रिएटेड बाय। एक लफ्ज में अगर इसे कहना चाहें तो कॉसाई, कॉसाई, कॉ काफ पे जबर साई, इसको छोटी ए के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर खड़ी की जबर लगानी पड़ेगी, कॉसाई, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, हो जाते हैं, बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। अ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, कानून एक ऑब्लिगेशन इम्पोज कर देता है इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट तो नहीं होता, लेकिन कानून एक ऑब्लिगेशन खुद ब खुद उसके ऊपर इम्पोज कर देता है। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये असल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इज अ लीगल सब्स्टिट्यूट। ये सब्स्टिट्यूट क्या होता है, मुतबादिल, उसकी जगह वो, तो ये एक लीगल मुतबादिल है, फॉर्म हुआ है क्यों, टू इम्पोज इक्विटी बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के दरमियान मुसावात हो सके। एक ने अगर कुछ अच्छा किया और दूसरा उसके साथ बुरा कर रहा है तो उनके दरमियान मुसावात बरकरार करने के लिए कानून खुद ही से लागू कर देता है कि नहीं भाई तुम दो के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मत ढूंढिएगा एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें नहीं मिलेंगे, अगर होते तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब ना किसी ने बनाने की कोशिश की, ना क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन लॉ ने कुछ सिचुएशन हमें बताई कि ऐसी सिचुएशन में जब भी एक पार्टी दूसरे के साथ नाइंसाफी करे या दूसरे के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो खुद ब खुद आपके और उसके दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जाम्पल और देता हूं, याद अगर मिस्टेकनली किसी के अकाउंट में पैसे आ जाए और वो कहे ये मुझे अल्लाह की जमीन से मिले, अल्लाह के बैंक से मिले, और जिससे गलती से उसके पास आ जाए वो आके कहे भाई मेरे पैसे आप वापस करें, तो यहाँ नाइंसाफी हो रही है उस बंदे के साथ जिससे बाहर हाल गलती हुई है, लेकिन दूसरे बंदे का हरगिज़ हक नहीं था कि उसके पैसे पर ये ऐशी करे। तो अगर पहला बंदा अदालत लेके जाए तो वो ये कह सकता है कि मेरा और उसके दरमियान कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट है, इसको मेरी तरफ से मिस्टेकनली पेमेंट चली गई, तो मिस्टेकनली चली जाए या कोर्शन में चली जाए कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात समझ आई, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, सर हमारी शर्त जैक पर लगती है या हॉर्स पर, ये एक पेचीदा सवाल है, ये वाकई पेचीदा सवाल है, क्योंकि जो घोड़े पे शर्त लगाई जाती है उसके पैसे भी घोड़े को नहीं मिलते, घोड़े के ओनर को मिलते हैं। एक तीसरा बंदा भी होता है जो घोड़े का राइडर होता है, घोड़े के राइडर के साथ घोड़े के ओनर का एग्रीमेंट होता है। तो ये जरा ज्यादा पेचीदा साइड पे चली जाएगी बात की, वो जो जैक है उसका क्या ताल्लुक है घोड़े का, हमने सिर्फ वो एक एक्सेप्शन ध्यान में रखनी है कि विनर को जो मालिक है घोड़े का उसको अगर पैसे जा रहे हैं तो वो अलाउड है। वापस उधर आते हैं, ये मैंने इसलिए जवाब दिया कि भाई ने 132 दफा कॉपी पेस्ट किया था। जी कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट समझ आया, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट वो जो होता नहीं खुद ब खुद हो जाता है, इसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एक एग्जांपल जो आप लोगों ने मुझे दी, आप कहेंगे कब सर हमने ऐसी कोई एग्जांपल आपको नहीं दी, नहीं ये पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, किताब ने हमें कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट बताया फिर कहा आओ हम आपको चार पांच एग्जांपल्स देते हैं। एक एग्जांपल दे दी पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, ये बात आपको पहले से पता थी, और जो नहीं पता थी वो मैंने बता दी। फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर एक बंदा who finds good belonging to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as a बेली, वो उसका बेली बन जाएगा। पंजाबी में बेली दोस्त को कहते हैं, तो बेली कहते हैं जिसके पास बेलमेंट हो, बेलमेंट कहते हैं अमानत को, तो बेली कहेंगे अमीन को। तो मैं इसका असल तर्जुमा आपको बता दूं, अमीन बन जाए, अगर आपके लिए अमीन मुश्किल लग जाए तो अमानतदार।
कहीं कोई डाउट ना रह जाए। अगर एक शख्स को दूसरे की चीज पड़ी हुई मिलती है, वो गुम हुई हुई है, वो उसे उठाएगा, वो फौरन से अमीन बन जाएगा, अमानतदार बन जाएगा, फिर वो ढूंढेगा असल ओनर। उस ढूंढने में एक ऑर्डिनरी बंदा जितनी एफर्ट कर सकता है उतनी एफर्ट करेगा। वो है ना कि खामोशी से हल्का सा कहे, भाई आपकी तो नहीं, भाई आपकी तो नहीं, लो जी अल्लाह की जमीन से पड़ी हुई मिली थी, किसी ने बोला भी नहीं। तो ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस नहीं है। मतलब एक ऑर्डिनरी एक बंदा जितनी जिद्दोजहद कर सकता है किसी को ढूंढने के लिए, वो जिद्दोजहद करेगा और फिर असल ओनर तक पहुंचने की कोशिश करेगा। फर्ज करें उसे पता लग जाए कि असल ओनर तक पहुंचने का खर्चा इस चीज की वर्थ के 2/3 से ऊपर है, तो कानून उसे इजाजत दे देता है कि आप ये चीज बेच भी सकते। यानी अगर इसको पता लग गया कि ये 1500 जब मैं देने जाऊंगा तो 1600 तो मेरा आने जाने का खर्चा लग जाएगा, और उसने वाकई एंड पे शुक्रिया कह के खुदाफिज कह दिया, तो अगेन अगर एक बंदे को चीज मिली है, पहले वो ओनर को ढूंढने की कोशिश करे। अगर वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता तो लोग कहेंगे कि इसने रॉन्गफुल कन्वर्जन की है, इसने चोरी की है, इसने उसको अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया। तो ये ओनर को ढूंढने की कोशिश करे, और इस कोशिश में असल ओनर तक पहुंच जाए तो उसे वापस कर दे। लेकिन अगर इसे पता लग जाए कि उसको ढूंढना या उस तक पहुंचना या पहुंचाने का खर्चा चीज की वर्थ के 2/3 से ऊपर है, तो वो उसे बेच भी सकता है। एक दूसरा रूल भी है पेरिशेबल का। अगर चीज ही ऐसी है कि जो है वो आप कहेंगे जी वो मुझे बंदे के आम पड़े हुए मिले और मैंने 1.5 महीना लगा या 2 महीना लगा मैंने उसको उसके आम पहुंचा के दम लिया, चाहे आम सुकड़ के छोटे हो गए, चाहे वो काले हो गए, लेकिन मैंने अमानत में खयानत नहीं की और मैंने उसको उसके आम चाहे जितने मर्जी गल गए थे मैंने दे, तो नॉर्मली पेरिशेबल आइटम में थोड़ी छूट होती है, और वो आइटम जिसको पहुंचाने की कॉस्ट उस आइटम की वर्थ के 2/3 से ज्यादा होती है, तो आपको इजाजत होती है कि आप उसको बेच के खा जाए। आप अगर तो ओनर आसानी से मिल सकता है तो ठीक है, नहीं मिल सकता तो कानून ने, यहाँ इस कानून ने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको मना नहीं किया, तो वो लोग खा जाते हैं। एक भाई ने कहा अगर हम पुलिस में देते हैं ठीक है, पर पुलिस वाले खा जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के जज्बाती हो जाते हैं, तो पता लगे आप अपने किसी हॉस्टल में के पैसे दबा के बैठ जाएं कि सर ने कहा था कि किसी के पैसे अगर कहीं भी पड़े हुए मिल गए तो उठा लेना। तो ऐसा नहीं है, कानून बहुत सारी तरह के हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये कहा कि अगर किसी एक बंदे को दूसरे की कोई चीज पड़ी भी मिल गई तो वो बन जाएगा बेली, वो रीजनेबल स्टेप्स लेगा टू ओनर को ढूंढने की, और नहीं अगर ढूंढ सकेगा या मतलब वही बात है नहीं ढूंढ सकेगा तो अमानत के तौर पर रखेगा, और अगर ढूंढने का खर्चा ज्यादा है तो फिर अब अगेन आपको अगर पता लग गया कि मैं ढूंढ नहीं सकता तो फिर पुलिस को जाके दे दें, और अगर पता लग जाए कि ढूंढ सकता हूं लेकिन ढूंढने का खर्चा तो चीज से ज्यादा है या कम से कम इसके 2/3 से ज्यादा है तो फिर आप वो चीज कंज्यूम कर सकते। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा, किसी और कानून में कोई और बात इसके खिलाफ हो सकती है। असल में कानून ने इसको ये बेनिफिट दे दिया, अगर बाद में ओनर आ गया कुछ दिनों बाद, इसका मतलब है कि रीजनेबल टाइम का वेट भी करना चाहिए हमें, और रीजनेबल टाइम कितना होता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो क्या चीज भूल के गया। अगर मोबाइल है तो 5 मिनट बाद उसकी दौड़नियां देखें, अगर वो पेन भूल गया कहीं, बॉल पेन भूल गया या अपने रजिस्टर भूल गया जिसपे उसने लेक्चर नोट किए हैं, तो वो कौन सी तरीके को जरूरी चीज होती है, है? मतलब आप लोग आप कहते कोई बात नहीं, खैर है मुझे पहले कौन सी समझ आई हुई थी जो उसको देख के समझ आ जानी है, चलो कोई नहीं दोबारा रजिस्टर निकालेंगे, वैसे भी लेक्चर तो मैंने दोबारा प्ले करके सुनना ही है। तो खैर बात समझ आई, तो हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने एकदम से पूरा चैप्टर खत्म करा दिया। तो हमने कॉसाइड कॉन्ट्रैक्ट समझा किसे कहते हैं, और इसकी 5 एग्जाम्पल्स में से 2 एग्जाम्पल्स देखी, फाइंडर ऑफ गुड्स और पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, ताकि कल हम यहीं से कंटिन्यू करते करते अगले चैप्टर में एंटर हो जाए इंशाल्लाह। मेरा जुमला पूरा सुनते ही नहीं ना, मैं भी जुमला कह रहा था कि भाई ने, मैं जुमला क्या कहा है, कल यही पढ़ते पढ़ते आगे मूव कर दें इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा इंशाल्लाह ताला। और वो भाई अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, भाई मैंने आप ही के सवाल का जवाब दिया था, वो जैक पे लगती है या हॉर्स वाला है।